Bollywood Spy. This is Roshni, and today we have with us your favorite, my favorite, Shreyas Talpade. Swagat hai aapka Bollywood Spy mein. Thank you. So Shreyas, बहुत ही अलग वक्त चल रहा है हर किसी के लिए. बहुत ही मैं कह सकती हूँ हर इंडस्ट्री सफर कर रही है, लेकिन एक इंडस्ट्री अगर मैं बात करूँ क्रू मेंबर्स की, थिएटर आर्टिस्ट की, तो इनके लिए एक अलग ही दौर रहा, क्योंकि जो इनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, फील्ड पर जाकर ही काम कर सकते थे. इनका ऐसा कोई क्रू मेंबर्स हो गए या फिर स्पॉट हो गए, आप थिएटर आर्टिस्ट हो गए, कहीं से भी कोई जरिया नहीं था कि ये डिजिटली कुछ कर सके. ऐसे टाइम पर आपकी तरफ से एक चीज आना, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उन सभी के? सो रोशनी, बेसिकली पिछले साल जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो सभी को बहुत दिक्कतें हुई थी, एंड सबसे ज्यादा लाइक यू मेंशन थिएटर आर्टिस्ट और टेक्नीशियंस, क्रू मेंबर्स को, बिकॉज लाइव शोज पे डिपेंड करते हैं. तो जब सारा ही बंद हो गया तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें. दैट इज द टाइम हमने सोचा कि सी, आप मॉनिटरी हेल्प एक बार करते हैं, दो बार करते हैं, 10 बार करेंगे, लेकिन यू गिव समवन मनी, यू फीड हिम फॉर अ डे, यू गिव समवन वर्क, यू फीड हिम फॉर लाइफ, राइट? हमने सोचा कि ऐसा कुछ होना चाहिए जिसके जरिए अगर प्रॉब्लम भी होते हैं तो काम चलता रहे, कुछ ना कुछ रेवेन्यू उनके पास आता रहे, यू नो. इसीलिए वी थॉट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म कॉल्ड 9rasa, जो एक OTT प्लेटफॉर्म है, पर ये दुनिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ थिएटर और परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए डेडिकेटेड है. तो हम इसमें नाटक शूट करने लग गए, हम ओरिजिनल कॉन्टेंट इसमें शूट करते हैं विच इज एक्सक्लूसिवली शॉर्ट फॉर 9rasa. तो वो नाटक जब सेटअप हो जाता है तो ऑफकोर्स जो टेक्नीशियंस आर्टिस्ट है उनको पैसे तो मिलते ही है, बट एट द सेम टाइम दे हैव द फ्रीडम टू डू ग्राउंड शोज ऑल्सो, कि जब भी थिएटर्स थोड़े ओपन हो जाए कहीं भी दुनिया भर में, हिंदुस्तान भर में, जहां भी वो जाके करना चाहे वो कर सकते हैं, उससे थोड़े और पैसे कमा सकते हैं. प्लस ऑनलाइन उनका जरिया है, ऑनलाइन भी वो यू नो सिंडिकेशन करके अपना काम लोगों को बता सकते हैं और पैसे उसमें से कमा सकते हैं. सो आई थॉट देयर नीड्स टू बी अ लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन जो एटलीस्ट कुछ लोगों को तो थोड़े थोड़े पैसे उनको मिलते जाए. तो जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते जाएंगे वैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचते जाएंगे. जी, तो शायद हमने देखा कि ये जैसे हम बात कर रहे थे लॉकडाउन के बारे में भी, जहाँ सभी घर में थे और मूवीज भी रिलीज नहीं हो रही थी, कोई थिएटर्स नहीं जा पा रहे थे, सो OTT प्लेटफॉर्म को एक बहुत ही अच्छा बूम मिला, बहुत ही अच्छा पीक मिला. पिछले कुछ सालों से भी वो था जिक्र में, लेकिन इस वक्त एक अलग ही लेवल का बूम मिल चुका है. ऐसे टाइम पर जहाँ हम वेब सीरीज मूवीज देखते हैं, आपने सोचा कि थिएटर की जब हम बात करते हैं तो लोग उसे हॉल में देखना ज्यादा पसंद करते हैं, लाइव एनकाउंटर करना ज्यादा पसंद करते हैं. ये कॉन्सेप्ट लेकर आना कि आप थिएटर को OTT प्लेटफॉर्म पे मर्ज कर सके, ये इसे कॉन्सेप्चुलाइज कैसे किया गया, किस तरह से आपने आइडिया लाया, इम्प्लीमेंटेशन में कैसे लाया, वो जानना चाहेंगे. वो कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. बेसिकली एक जरूरत थी, एक नीड ऐसे बन गई थी कि उन थिएटर आर्टिस्ट के लिए हम क्या करें. तो मुझे सोचा कि जब सब कुछ ऑनलाइन जा रहा है, जब एजुकेशन ऑनलाइन हो रहा है, ये लॉकडाउन के टाइम पे एजुकेशन वाज गोइंग ऑनलाइन, फिटनेस ऑनलाइन, कुकिंग ऑनलाइन, ब्यूटी ऑनलाइन, जब सब कुछ जा रहा है तो थिएटर फिर पीछे क्यों रहे. फिल्में भी इनफैक्ट ऑनलाइन OTT पे रिलीज हो रही थी. तो मैंने सोचा कि जब ये टेक्नोलॉजी हमें हमारी मदद के लिए बनाई गई है, देन व्हाई नॉट यूटिलाइज इट. एंड थिएटर, यस, आई मीन आप लाइव शोज करते हैं, लाइव परफॉर्मेंस करते हैं, और कोई भी चीज जो लाइव होती है वो आप कहीं भी रेप्लिकेट उसका मैजिक वैसे नहीं हो सकता लाइव परफॉर्मेंस का. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो टेक्नोलॉजी कहीं OTT पे आए ही नहीं, या TV पे आए ही नहीं, या बड़े स्क्रीन पे आए ही नहीं. थिएटर है, इट इज वन मोर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट. इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, प्योरेस्ट एंड नाइसेस्ट फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट. तो मैंने सोचा फिर अगर सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है देन व्हाई नॉट थिएटर. और वहां से वो आइडिया दिमाग में आनी शुरू हुई, और जैसे हमने ज्यादा उस पर रिसर्च किया तो पता चला कि एक्चुअली दुनिया भर में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो थिएटर को मिस करते हैं, और जो थिएटर देखना चाहते हैं वो नाटक देखना चाहते हैं, कुछ पुराने देखने चाहते हैं, कुछ नए देखने चाहते हैं. तो फिर उन लोगों तक नाटक क्यों ना पहुंचाया जाए, और आज जब हमारे पास वो फैसिलिटीज है देन वाई कांट वी डू दैट. सो दैट्स इज वेयर इट द होल प्रोसेस स्टार्टेड. वी हैव बीन वर्किंग ऑलमोस्ट अ ईयर ऑन दिस कॉन्सेप्ट, एंड फाइनली कल हमने इसको ऑफिशियली लॉन्च किया. बिल्कुल, 9rasa, ये नाम अपने आप में ही थिएटर की पहचान बताता है.
क्योंकि मैं जानती हूँ नौ रसा के बारे में और इनफैक्ट मेरे व्यूवर्स भी जानते ही होंगे, बट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि जब मैंने काफी सारे आर्टिकल्स भी पढ़े आपके बारे में नौ रसा के बारे में, तो आई केम अक्रॉस कि काफी सारे डेट्स को भी पोस्टपोन किया गया, जहाँ पहले अगस्त में आप स्टार्ट करने वाले थे, फिर उसे सितंबर में पुश किया गया, अक्टूबर में पुश किया गया, एंड देन फाइनली अप्रैल में अब हम उसे देख सकते हैं एज एन ऐप, गूगल प्ले स्टोर पर भी हम उसे देख सकते हैं. सो व्हाट वाज द रीजन गेटिंग डिलेड, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि सिचुएशन अलग है, बट हाउ चैलेंजिंग इट वाज फॉर यू? नहीं, इनफैक्ट देयर वर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस दैट केप्ट कमिंग इन रोशनी, बिकॉज पहले हमने सोचा था कि जो नाटक ऑलरेडी चल रहे थे और जो लॉकडाउन के वजह से बंद हो गए, हमने सोचा कि हम उन्हें अप्रोच करेंगे और पूछेंगे, बट थोड़ा सा उस मामले में रेजिस्टेंस था. लोगों ने कहा, अरे नहीं नहीं नाटक को ऑनलाइन कैसे करेंगे, ये नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह. तो फिर हमें थोड़ा सा वो चैलेंज एक फेस करना पड़ा. हमने कहा चलो कोई बात नहीं, आप नहीं करना चाहते, बट लकीली देयर वर सम अदर्स जिनको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया और उन्होंने कहा कि नहीं ये तो बहुत ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट है और बिल्कुल थिएटर को ऑनलाइन आना चाहिए. सो फिर उनके पास से हम कंटेंट स्क्रिप्ट्स लेना शुरू कर दिया. फिर शूटिंग में दिक्कतें थी कि इतने सारे प्रोटोकॉल्स थे, थिएटर्स ऑडिटोरियम जो थे वो इमिडिएटली हमें परमिशंस नहीं दे रहे थे शूटिंग की. फिर परमिशन अगर जब मिली तो बहुत ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के साथ हमें परमिशन मिली, तो उसके साथ फिर इकोनॉमिक्स बैलेंस करना, तो ये सारी चीज़ें करते करते फिर शूटिंग एक साथ नहीं कर पा रहे थे. तो थोड़ा हमने अक्टूबर में शूट किया, थोड़ा नवम्बर, थोड़ा दिसंबर, ऐसे करते करते फाइनली जब कंटेंट आया, जब टेक्नोलॉजी की सारी बातें, आर कंपनी टेक कंपनी इज एक्चुअली एन इंटरनेशनल कंपनी, तो वो यहाँ आ नहीं पा रहे थे, हम वहाँ जा नहीं पा रहे थे, तो जूम पे जितनी बातें हो रही थी उससे हम कोऑर्डिनेट कर रहे थे. सो ऑल दोज थिंग्स केप्ट टेकिंग टाइम एंड आई रियलाइज कि टेक्नोलॉजी, ये स्पेशली बिल्डिंग अ प्लेटफॉर्म इज मच मोर डिफिकल्ट देन यू थिंक इट इज. तो वो सारी चीजें कर करा के फाइनली जब तैयार हो गया, इनफैक्ट वी वर रेडी इन मार्च टू लॉन्च इन मार्च, बट मैंने कहा कि नहीं, जहां इतने रुके थोड़ा और टेस्टिंग कर लेते, जस्ट मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज प्रॉपर एंड देन वी लॉन्च इट. सो देन अप्रैल 9th हमने चुना, बिकॉज 9 रासा ऑन 9th वॉज अ गुड डेट इज वॉट वी फेल्ट, एंड दैट्स द रीजन वी केम इन अप्रैल. लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि जब से ये लॉकडाउन लगा है, हर किसी ने जितना जिससे बन पड़ा वो उन्होंने उस तरह से अपना कंट्रीब्यूट करने को ट्राई किया. सोनू सूद केम अप विद हेल्पिंग प्रवासी मजदूर, देन वी सॉ रोहित शेट्टी कंट्रीब्यूटिंग टू पुलिस, जितना भी हो पड़ा. सो माय क्वेश्चन टू यू इज कि डिड यू चोज कि आप थिएटर आर्टिस्ट के लिए इस तरह से कुछ करें, क्योंकि आप थिएटर से बिलोंग करते हैं? नहीं, जाहिर सी बात है, मतलब हर कोई अपने अपने तरीके से लोगों के लिए करने की कोशिश कर रहा था, और बिकॉज मैं खुद थिएटर कर चुका हूँ और बिकॉज काफ़ी सारे यार दोस्त जो थिएटर में हैं उनके फ़ोन आ रहे थे कि यार थिएटर के लिए क्या किया जाए, उन एक्टर्स के लिए, उन टेक्नीशियंस के लिए क्या किया जाए, तो हम उनके बारे में ज़्यादा सोच रहे थे. आप अपने फील्ड में, एंड प्लस थिएटर ने आज इतना कुछ मुझे दिया है, मैं आज जो कुछ भी हूँ वो थिएटर की वजह से हूँ, तो कहीं ना कहीं हर एक्टर को, थिएटर एक्टर को लगता रहता है कि थिएटर के लिए मैं क्या कर सकता हूँ. तो जब ये मौका आया तो मैंने सोचा कि चलो यही वो अपॉर्चुनिटी है कि हम थिएटर के लिए कुछ करें, थिएटर के बंदों के लिए कुछ करें, एंड दैट्स हाउ वी एंडेड अप डूइंग दिस. वेयर समवेयर आपको वो सेटिस्फैक्शन मिलता है कि येस, समवन लाइक अ सोनू सूद डिड एग्जेम्पलरी वर्क, रोहित शेट्टी हो, अक्षय कुमार हो, बच्चन साहब हो, सब ने अपने तरीके से कुछ ना कुछ किया. सो मेरी शायद जिम्मेदारी थी कि मैं थिएटर के बंदों के लिए कुछ करूं, तो मैंने अपने तरफ से वो कोशिश की. सो श्रेयस, मूविंग ऑन टू द ओटीटी प्लेटफॉर्म, वी सी कि कंपटीशन बहुत है, Netflix, Amazon, all you name it and we have it, the type of genre you want to watch, we have it on our हमें मिल जाते हैं. तो आपको क्या लगता है कि 9 जैसा जिस तरह के कॉन्सेप्ट से लेकर है, हालांकि बहुत ही अलग है क्योंकि थिएटर्स को लेकर ये पहला इस तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म है जो सामने आया है, ये तो एक्चुअली रोशनी वक्त ही बताएगा कि हम अपनी जगह कितने टाइम में बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कब बनाएंगे और कितनी बनाएंगे. कल हमारे लॉन्च का अगर हम रिस्पॉन्स देखें, जिस तरीके से लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, जिस तरीके से पॉजिटिवली इसको एक्सेप्ट किया है, मुझे नहीं लगता हमें ज्यादा वक्त लगेगा अपनी जगह बनाने में. एंड जहां तक कंपटीशन का सवाल है,
तो मुझे लगता है जिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का आपने नाम लिया, तो चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, अमेजोन हो, हॉटस्टार हो, जी फाइव हो, ये सब बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, ओके, इनके साथ हमारा मुकाबला हो ही नहीं सकता। ये अपने आप में बहुत सक्षम अपनी जगह बना चुके हैं, अपना मार्केट शेयर ये कैप्चर कर चुके हैं और भी करेंगे, यू नो, तो उसके साथ तो हम अपना मुकाबला कर ही नहीं सकते, बिकॉज दिस इज अ कम्प्लीटली सेल्फ फंडेड वेंचर। ये मैंने और दीप्ति ने हमारे जो अपने पैसे है वो डाल के हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी आउटसाइड इन्वेस्टमेंट अब तक नहीं है। हाँ, ये बात और है कि कल लॉन्च होने के बाद कई सारे इन्वेस्टर्स ने इसमें इंटरेस्ट जरूर दिखाया है, जहां लोगों को ऐसा लगा कि बिजनेस पोटेंशियल भी है, तो इंटरेस्ट जरूर दिखाया है, लेकिन इनके साथ हम अभी अपना कंपटीशन नहीं कर सकते। एंड जैसे आपने कहा कि ये बड़ा नीश प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ थिएटर और परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए डेडिकेटेड है, तो हम इस प्लेटफॉर्म पे वैसे भी वेब सीरीज या फिल्में नहीं दिखाएंगे। जितना थिएटर का कंटेंट है, स्टेज का कंटेंट है, उतना कंटेंट आएगा। इनफैक्ट आपको एक छोटा सा मजेदार अगर इसका कंपैरिजन करना हो, तो जैसे आपने पूछा वैसे मुझे किसी और ने पूछा कि ये सर्कल में इतना टुकड़ा नेटफ्लिक्स का है, इतना हॉटस्टार का, इतना अमेजोन का, इतना जी फाइव का, इतना बाकी हॉय चॉय हो या यू नो और एप्स उल्लू हो, आप अपने आप को इस सर्कल में कहाँ देखते हो? तो मैंने कहा एक्चुअली मैं अपने आप को इस सर्कल में देखता ही नहीं हूँ, मेरा सर्कल इनसे बाहर है, ओके, क्योंकि ये बहुत अलग लेवल का इनका है और मेरा प्लेटफॉर्म ही बिल्कुल अलग है, सिर्फ थिएटर के लिए। तो थिएटर के प्लेटफॉर्म्स में मेरा सर्कल अकेले का है और कोई नहीं। तो इनके जो 100 लोग ऑडियंस है, वो टेक्निकली 100 के 100 लोग पूरा मेरा ऑडियंस है, यू नो, सो आई हैव अ डिफरेंट सर्कल ऑफ माय ओन विद ऑल द ऑडियंस दैट दे हैव। दैट ऑडियंस इफ दे वांट टू वॉच थिएटर विल कम ऑन माय प्लेटफॉर्म। सो यू नो एट द एंड ऑफ द डे अगर हम उनको अच्छा कंटेंट देंगे तो लोग हमारे क्या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जरूर आएंगे। So, and we are also very happy कि इस तरह से थिएटर को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, क्योंकि बॉलीवुड में अगर आप देखेंगे तो ऐसे कई सारे स्टार्स हैं जो पहले थिएटर में ही थे और उसके बाद आज उन्हें ये मुकाम मिला है। So, my question to you here is that कि आने वाले समय में, क्योंकि मैं आपके इंस्टा को भी स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने देखा कि आपने भी यहाँ पर कॉन्टेंट वाइज भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। There are around 1500 other people जिनको 9 रजा की वजह से जॉब्स मिले हैं एंड बहुत ही अच्छा एक मैं कह सकती हूँ कि चीज के साथ आप सामने आए हैं एंड पीपल आर लविंग यू फॉर दैट एज वेल, कि मार्केट में आप कुछ नया लेकर आ रहे हो और साथ में यू आर हेल्पिंग अदर्स एज वेल। सो अगर आने वाले टाइम में व्हेन वी कम अबाउट कि आप न्यू कमर्स को मौका देने वाले हैं, जो मैंने एक IGTV स्टोरी में भी देखा कि काफी सारे न्यू थिएटर आर्टिस्ट को भी मैंने एनकाउंटर किया, लेकिन जो पुराने हैं जो अभी बॉलीवुड में काफी अच्छे नाम बन चुके हैं, नसरुद्दीन शाह अदर पीपल, क्या वो भी हमें 9 रसा में कभी एक्ट करते हुए दिख पाएंगे? व्हाट इज योर माइंडसेट, व्हाट इज योर विजन? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। सी 9 रसा पे जैसे आपने कहा कि न्यू कमर्स तो ढेर सारे है, यू नो, उनके शोज भी है, उनके चाहे स्टैंड अप हो या स्टोरीज हो या चैट्स हो या प्लेज हो, वो 9 रसा पे उनका काम तो जरूर देखने मिलेगा, बट सीनियर्स भी कुछ हमें यहाँ पे देखने मिलेंगे। हम तो बिल्कुल चाहेंगे कि जैसे नसीर सर है, मनोज भाई है, के हुआ, जिन्होंने थिएटर हार्डकोर किया हुआ है, वो मैं चाहूँगा जरूर इस पे आए। इसके साथ साथ वो सारे एक्टर्स जिन्हें थिएटर करने का मौका नहीं मिला पर जो थिएटर करना चाहते हैं, मैं चाहूंगा वो सब भी 9 रसा का एक हिस्सा बने। जैसे आज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो रणवीर सिंह, कभी शायद रणवीर सिंह ने थिएटर किया नहीं होगा, लेकिन अगर उसकी इच्छा हुई कि मैं ना श्रेयस भाई एक वन एक्ट प्ले करना चाहता हूँ, फटाफट 2-3 दिन रिहर्सल करूंगा और थिएटर का क्या मैजिक है मैं भी एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, तो ये प्लेटफॉर्म उन सब लोगों के लिए है जो थिएटर का मैजिक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। सो यस, टू आंसर योर क्वेश्चन, सारे लोग दिखेंगे। जैसे जैसे ये प्लेटफॉर्म घर घर में पहुंचेगा, वैसे आई एम श्योर ज्यादा से ज्यादा लोग इससे इसके साथ जुड़ते जाएंगे। जैसे कहा कि अलग अलग भाषा का थिएटर, फुल लेंथ प्लेज, वन एक्ट प्लेज, स्किट्स, स्टैंड अप, चैट्स, स्टोरी रीडिंग्स, पोएट्री रीडिंग, सॉन्ग, डांस, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने मिलेंगी।
अभी हमारे पास लगभग 100 घंटे का कंटेंट तैयार है जो फेज वाइज प्लेटफॉर्म पे आएगा, सब एक साथ नहीं आएगा बिकॉज अभी सारा उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है तो वो थोड़ा थोड़ा करके आता जाएगा। बट इसमें हिंदी, मराठी, गुजराती, इंग्लिश / हिंग्लिश ये भाषा हमारे पास अभी रेडी है। अभी हम और भी बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, छत्तीसगढ़ी, यासमीज, पंजाबी, हरियाणवी, कश्मीरी ये सब भी इन्वॉल्व करने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। इस पे दो प्लान्स है बेसिकली, एक मंथली प्लान है और एक एनुअल प्लान है। और आपको सिर्फ नाटक जो है वो प्रीमियम प्लान में आता है, मतलब उसी के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, अदरवाइज बाकी का सारा जो कंटेंट है वो फ्री कंटेंट है। आप सिर्फ रजिस्टर कीजिए और स्टैंड अप हो, स्किट्स हो, स्टोरीज हो, आप बिल्कुल फ्री में आराम से जितनी चाहे बार चाहे देख सकते हैं। तो ये दो प्लान, मंथली सब्सक्रिप्शन है ₹59 एंड ईयरली सब्सक्रिप्शन है ₹599। इसमें आपको ढेर सारे नाटक देखने मिलेंगे हर महीने में। हमारी कोशिश है कि कम से कम 3 से 4 नए नाटक लेके आए, इस हिसाब से साल भर ये कई सारे नाटक आपको देखने मिल जाएंगे। All right, thank you Shreyas for joining with us on Bollywood Fire. मैं Bollywood Fire के सारे ही viewers और पूरी ही टीम की तरफ से आपको 9 वर्षों के लिए शुभकामनाएं देना चाहूंगी, और हम यही कामना करते हैं कि आने वाले समय में भी 9 वर्षा पूरी तरह से अपनी अलग पहचान बनाते हुए थिएटर का नाम रोशन करें और जिस तरह से आपका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उसे भी और आगे बढ़ाता जाए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस ऑन बॉलीवुड फायर। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू रोशनी, लवली टॉकिंग टू यू। टेक केयर एंड स्टे सेफ। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय।